हमारे चैनल सिविल बेसिक 21 में आप सभी का स्वागत है। आज फिक्स्ड बीम का लेक्चर 5 ले रहा हूँ। इसमें मुख्य रूप से कपल या मोमेंट एट ए पॉइंट अगर किसी फिक्स्ड बीम पर आ रहा है, सिंकिंग ऑफ सपोर्ट दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट है रोटेशन ऑफ सपोर्ट। इन तीन बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोमेंट एट ए पॉइंट। एक ये फिक्स्ड बीम है, फिक्स्ड बीम के मध्य में किसी भी बिंदु पर एक एम आघूर्ण कार्य कर रहा है या एक बलयुग्म है। इन दोनों का मतलब एक ही है, बलयुग्म भी हो सकता है और ये एक मोमेंट भी हो सकता है, ये कार्य कर रहा है, ये दोनों एक ही चीज़ है। इसके लगने से इसके अलावा कोई बल इसके ऊपर नहीं आ रहा है, तो हम केवल मोमेंट का इफेक्ट क्या होगा इस बीम के ऊपर उसे कंसीडर कर रहे हैं। हाँ, किसी क्वेश्चन में ऐसा कंपल्सन नहीं कि जिस बीम में किसी पॉइंट पर मोमेंट लगा हो तो उस बीम में कोई दूसरा लोड नहीं हो सकता। दूसरा लोड भी हो सकता है, यूडीएल भी हो सकता है, पॉइंट लोड भी हो सकता है। यहाँ हम केवल एक मोमेंट लगा देने से उसका प्रभाव बीम पर क्या पड़ेगा या इसके कारण कितने फिक्स्ड इन मोमेंट उत्पन्न होंगे उनकी गणना करने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें केवल एक मोमेंट कार्य कर रहा है। ये हमारी एक सिंपल स्ट्रेट बीम है, ए बी, इसका ये ए सिरा है, इसका ये बी सिरा है और ये दोनों सिरों पर ये फिक्स है। इस पर जो मोमेंट लगाया गया है, देखिए मोमेंट लगाया गया है इस पर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। तो जब ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मोमेंट कार्य कर रहा है तो इस मोमेंट के कारण इस बीम की टेंडेंसी क्या होगी, ये बीम हमारी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमने का प्रयास करेगी। यानी ये सिरा ऊपर उठना चाहेगा, ये सिरा नीचे को बैठना चाहेगा, ये केवल इस मोमेंट के कारण, क्योंकि इस मोमेंट का फंक्शन ये होगा कि इस बीम को क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना। तो ये सिरा जब ऊपर उठना चाहेगा तो इस पर जो रिएक्शन है वो डाउनवर्ड हो जाएगी, ये सिरा नीचे को जाने का प्रयास करेगा, इसलिए इसकी जो रिएक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। अब जरा देखिए यहाँ पर, जब यहाँ ये मूव करेगा क्लॉक वाइज, ये जो हमने डॉटेड लाइन से दर्शा रखा है ये बीम की मुड़ी हुई स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। यानी इस मूवमेंट के कारण बीम जो बेंड हो जाएगी या बीम में जो डिफ्लेक्शन होगा वो इस आकार में होगा डॉटेड लाइन के अलोंग। तो जब यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में है तो ये सिरा यूं आएगा और यहाँ सिरा फिक्स होने के कारण ये इस तरह से यहाँ तक हमारा अपवर्ड कर्वेचर के साथ और यहाँ से यहाँ तक डाउनवर्ड कर्वेचर के साथ ये नीचे को जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक ये अपवर्ड कर्वेचर है और यहाँ के बाद फिर ये हमारा डाउनवर्ड कर्वेचर हो गया। तो ये हमारा कर्वेचर डाउनवर्ड है, ये हमारा इसके आगे जो है जो मूवमेंट है इसमें हॉगिंग मूवमेंट है, तो इसलिए इस सिरे पर तो हमारा हॉगिंग मूवमेंट उत्पन्न होगा। इसमें ये कर्वेचर इस तरह का है, इसमें सैगिंग उत्पन्न हो रही है, इसलिए ये मूवमेंट हमारा सैगिंग कहलाएगा। तो ए सिरे पर सैगिंग मूवमेंट उत्पन्न होगा और बी सिरे पर हॉगिंग मूवमेंट उत्पन्न होगा अगर हमारा बेंडिंग मूवमेंट, यानी मूवमेंट जो कार्य कर रहा है इस पर, ये इसमें क्लॉक वाइज डायरेक्शन में कार्य कर रहा है। इसका जो बिंदु जिस पर ये मूवमेंट लगा हुआ है वो ए सिरे से स्मॉल ए दूरी पर और बी सिरे से स्मॉल बी दूरी पर लिया गया है और इसका टोटल स्पान एल है। तब अब हम इस मोमेंट के कारण इसके सिरे पर उत्पन्न जो एंड मोमेंट हैं, सिरा घूर्ण हैं, उनकी वैल्यू हम किस फार्मूले से ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, ये हमें कंठस्थ होना चाहिए। तो हम यही बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति में इस मोमेंट के कारण सिरे पर उत्पन्न एंड मोमेंट कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो देखिए भाई, हमारी जो बेसिक इक्वेशन थी ए डैश बराबर ए, यानी ये है हमारा फिक्स्ड इन मूवमेंट बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का एरिया और ये है हमारा फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का एरिया। इन दोनों को बराबर करके और उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को किसी एक सिरे से दूरी निकाल करके उन्हें बराबर करने पर हम इसको सॉल्व करके एम ए और एम बी के मान ज्ञात कर सकते हैं।
हमारी बेसिक इक्वेशन यही रहती है। इसी बेसिक इक्वेशन का एक अल्टरनेट रूप भी है, जब हम इनको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं पहले वाले को, तो हमको ये इक्वेशन एक मिल जाती है एम ए प्लस एम बी बराबर टू ए अपॉन एल। और इसी तरीके से जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसमें एक्चुअली इसका गुणा कर लेते हैं ए डैश एक्स बार डैश और ए एक्स बार, तो वहां से हमको ये एम ए प्लस टू एम बी बराबर ये इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से हमको ये दो समीकरण प्राप्त होती हैं, और इन दो हम या तो इनका प्रयोग करें या इनका प्रयोग करें, जिसने जिस फार्मूले का प्रयोग करके अभ्यास किया हो आप उसी का प्रयोग कर सकते हैं। ये तो हमने सिद्धांत बताया कि किस तरीके से निकाला जाएगा, किस आधार पर इनकी गणना की जाएगी एम ए और एम बी की। इनको सॉल्व करने के उपरांत हम यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू प्राप्त करते हैं या हमें जो प्राप्त होती है मोमेंट के केस में, वो इसको ध्यान से देख लें, एम अपॉन एल स्क्वायर। इसमें एम जो है ये मोमेंट है जो कि अप्लाई किया गया है इसके ऊपर यहाँ से ए दूरी पर, तो एम अपॉन एल स्क्वायर यानी एल स्क्वायर तो स्पान का स्क्वायर है, और इसके आगे इंटू बी इंटू टू ए माइनस बी, बी यानी ये इधर की दूरी बटे टू ए माइनस बी। और इसी तरीके से एम बी की वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे तो एम बी की वैल्यू एम अपॉन एल स्क्वायर, ये हमारा वही पद है, और इसमें ए इंटू टू बी माइनस ए हो जाएगा। देखिए जहां बी है वहां ए हो गया, यहां ए है तो बी हो गया, यहां बी है तो ए हो गया, इसको आपस में बस इंटरचेंज कर दीजिए ए टू बी, तो हमारा ये एम बी की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो इस तरीके से इन दो फार्मूलों का प्रयोग करके हम एम ए और एम बी की गणना कर सकते हैं। कुछ बुक्स में इस फार्मूले को ए बी के पदों में न व्यक्त करके ए और एल के पदों में व्यक्त किया गया है, यानी स्मॉल बी जो है दूरी इसको एलिमिनेट कर दिया गया है। तो स्मॉल बी की जगह पर हम एल माइनस ए सब्स्टिट्यूट कर दें अगर हम यहाँ पर स्मॉल बी की वैल्यू जहाँ कहीं भी लिखा हुआ है फार्मूले में, तो हमारा व्यंजक ये प्राप्त हो जाता है। इसी फार्मूले को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, कुछ जगह आपको इसी रूप में लिखा हुआ मिलेगा और कुछ जगह इस रूप में मिल सकता है, जबकि ये दोनों ही फार्मूले एक ही हैं। तो यहां पर देखिए बी है, बी की जगह एल माइनस ए रख दिया गया है, और इस बी की जगह हम जब एल माइनस ए रखेंगे तो ये हमारा एल माइनस थ्री ए के बराबर आ जाएगा। और ये यहां पर देख लें ये ए इंटू टू एल माइनस थ्री ए के बराबर आ जाएगा। तो यहां पर एम ए और एम बी की वैल्यू, एक बात और हम साथ ही साथ बता दें कि यहां पर अक्सर पढ़ने में पढ़ते समय छात्रों को ये भ्रम होता है कि ये एम ए की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आएगी, एम बी की वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। यहाँ क्योंकि कुछ से बुक से इस फार्मूले के प्रत्येक पद में यानी यहाँ पर दोनों जगह माइनस का प्रयोग कर रहे हैं, दूसरी बुक इनको प्लस करके सॉल्व करती है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचें, जब आपने यहाँ पर ये देख लिया कि एम ए हमारा सैगिंग मोमेंट है यहाँ पर और ये एम बी हमारा हॉगिंग मोमेंट है, तो हमें फिर इसके अलग से चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हम इन फार्मूलों से ज्ञात कर लेते हैं, और प्रश्न के अकॉर्डिंग एम ए की जो प्रवृत्ति हो ये जैसे सैगिंग है, तो हम इस फार्मूले के बाद इसको ब्रैकेट में सैगिंग लिख सकते हैं, और जैसे एम बी हमारा यहाँ पर हॉगिंग है तो इसके आगे हॉगिंग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इनका चिन्ह लगाना आवश्यक नहीं होता, केवल हमको इनका न्यूमेरिकल वैल्यू ज्ञात करें। ये इन मोमेंट हैं, इन मोमेंट सैगिंग और हॉगिंग दोनों तरह के हो सकते हैं, वो हमारे क्वेश्चन के नेचर पर डिपेंड करेगा या लोड पैटर्न पर डिपेंड करेगा कि ये मोमेंट सैगिंग है या हॉगिंग है, वो चित्र ही बता देता है। अब जैसे इस फिगर में देखिए, इस फिगर में ये हमको क्लियर हो गया कि ये रिएक्शन डाउनवर्ड है, ये रिएक्शन अपवर्ड है। हम इसको इसी डायरेक्शन में अगर हम एज्यूम करके फिगर बनाते हैं तो फिर हमको इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू ही निकालनी होगी। अब जब हमने सिरा आघूर्ण ज्ञात कर लिए दोनों एम ए और एम बी, तो रिएक्शन ज्ञात करने का हमारा वही पिछला फार्मूला है।
इसमें क्या करते हैं कि टेकिंग मोमेंट अबाउट बी, यानी बी पॉइंट पर मोमेंट ले लीजिए डायरेक्ट, बी पॉइंट पर मोमेंट लेंगे तो आर ए इंटू एल ये लिखा जाएगा। देखिए आर ए इंटू एल यहाँ लिखा हुआ है, और इसके बाद ये तो हमारा है मोमेंट है, तीनों की दिशा एक ही आ रही है, ये क्लॉक वाइज, ये क्लॉक वाइज, ये क्लॉक वाइज, इसलिए ये तीनों मोमेंट एक ही डायरेक्शन में रखे जाएंगे, एम ए प्लस एम बी, एम ए और एम बी आपस में जुड़ेंगे क्योंकि ये विपरीत नेचर के हैं। वैसे ही फार्मूला क्या होता था, एम ए माइनस एम बी होता था, और ये बीच में एम लगा हुआ है, इसको भी यहाँ पर हम जोड़ लेंगे, तो ये हमारा एम ए प्लस एम बी प्लस एम बराबर आर ए इंटू एल, यहाँ से एल को बस भाग लगा दीजिए तो ये हमारा आर ए की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। यहाँ पर एम ए और एम बी की ये ऊपर से वैल्यू उठा करके सब्स्टिट्यूट कीजिए, और ये एम फिर इसको सॉल्व करके लाइए तो सॉल्व करने से 6 MAB अपॉन एल स्क्वायर एल क्यूब के बराबर ये हमको आर ए की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो ये 6 MA, अब यहां पर देखिए ये बराबर इतना हुआ तो यहां इसको आर ए लिखिए, ये आर ए बराबर इतना प्राप्त होगा 6 MAB अपॉन एल क्यूब, और इसी आर ए की वैल्यू जो है आर बी के बराबर भी होगी क्योंकि ये हमारी क्रिया और प्रतिक्रिया है। यहाँ पर जितना फोर्स यहाँ डायरेक्शन में उत्पन्न होगा उतना ही, क्योंकि यहाँ पर फोर्स कोई लगी नहीं रहा है, केवल मोमेंट लग रहा है, तो मोमेंट के कारण इसमें जो कपल उत्पन्न होगा वो समान बलों का होगा, इसलिए जितना बल ये है उतना ही बल ये होगा। तो न्यूमेरिकली केवल डायरेक्शन अलग है, वो चित्र में ऑलरेडी दर्शाई हुई है, इसलिए यहाँ पर हम इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ही एज्यूम करते हुए आर बी और आर ए को बराबर मानते हैं, ये न्यूमेरिकली इक्वल है बट अपोजिट इन साइन, इनका चिन्ह जो है अपोजिट होता है। अब देखिए आर ए आर बी भी ज्ञात हो गए, एम ए एम बी भी ज्ञात हो गए, जरा इसका फिगर भी देख लीजिए बनाने का तरीका। हमने ये बीम बना दी, फ्री सिंपली सपोर्टेड बीम बना दी, इस पर एम लगा दिया, इसके सिरे हमने फिक्स नहीं रखे, सिंपली सपोर्ट कर दिए, तो ये हमारी रिएक्शन होगी जो केवल मोमेंट के कारण है, और ये भी रिएक्शन है, तो इसको हम सीधे सीधे निकाल लेते हैं। यहाँ से अगर हम मोमेंट ले लें तो एक तो मोमेंट इधर एम हो गया, और ये किसके बराबर होगा, ये आर ए इंटू एल के बराबर होगा, तो आर ए इंटू एल बराबर एम, तो आर ए बराबर एम अपॉन एल, इस तरह से इसकी वैल्यू एम अपॉन एल के बराबर होती है, इसकी एम अपॉन, लेकिन ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम की रिएक्शन है, जो हम आर ए वन और आर बी वन लिखा करते थे, ये उसी के स्थान पर हम एम अपॉन एल लिख सकते हैं, ये हमारी रिजल्टेंट आर ए और आर बी की वैल्यू नहीं है। अब प्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी यहाँ पर देख लीजिए, प्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने जब ये रिएक्शंस दोनों ज्ञात कर लें तो इसके इस सी पॉइंट पर हम इधर के बल का मोमेंट ले लें, तो ये एम इंटू एल में ये इस दूरी का गुणा कर दें तो ये इस पॉइंट पर मोमेंट हो जाएगा, और ये मोमेंट हमारा ये स्मॉल बी है, तो एम अपॉन एल में स्मॉल बी का गुणा कर देंगे तो इस पॉइंट पर इस बल के कारण जो मोमेंट आएगा वो ज्ञात होगा, तो कितना हो जाएगा एम इंटू स्मॉल बी अपॉन एल, इसीलिए ये मोमेंट यहाँ पर एम इंटू स्मॉल बी अपॉन एल लिखा गया है। जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे ये मोमेंट घटता जाएगा और यहाँ पर पहुँच के मोमेंट जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो से बढ़ता हुआ एम बी अपॉन एल के बराबर ये मोमेंट प्राप्त होता है। इसी तरीके से हम इसी पॉइंट पर मोमेंट लें इधर वाले बल का, जब इधर वाले बल का मोमेंट लेते हैं तो इसमें एम इंटू इस दूरी का गुणा होगा, ये स्मॉल ए है, तो एम इंटू स्मॉल ए बटे एल, ये दूरी हमारी एम इंटू स्मॉल ए बटे एल हो जाएगी, और ये नेचुरल है कि जब चिन्ह उल्टा है तो ये अपोजिट नेचर का है, तो ये नीचे की ओर आएगा, ये ऊपर की ओर आएगा, ये प्लस का चिन्ह हो गया। अब देखो ये है, ये सैगिंग उत्पन्न करेगा और ये हमारा हॉगिंग उत्पन्न करेगा, इसलिए माइनस में है ये प्लस में है, ये हमारा फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पर ड्रा हो गया। अब इसके बाद फिक्स्ड मोमेंट डायग्राम देख लीजिए, फिक्स्ड मोमेंट डायग्राम में एम बी हमारा देखिए हॉगिंग है, इसको हमने हॉगिंग ऊपर दर्शा, देखिए इसमें कभी ऊपर या कभी नीचे हम कहीं भी दर्शा सकते हैं, अगर हॉगिंग है तो इसको माइनस लिख लेते हैं, सैगिंग है तो उसको प्लस लिख लेते हैं, तो इसमें ऊपर की ओर जो है हमने
माइनस दर्शाया है, यानी हॉकिंग मूवमेंट दर्शाया है, और नीचे की ओर सैगिंग मूवमेंट दर्शाया है, तो ये हमारा एम ए हो गया। तो इस तरह से ये हमारा फिक्स्ड एंड बीएमडी हो गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट इसी डायग्राम को उठा करके इसके ऊपर अगर हम बना दें तो ये यहाँ पर पहुँच जाएगा और ये पॉइंट इसके नीचे आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर देख लें, ये ऊपर पहुँच गया, ये नीचे पहुँच गया, ये रिजल्टेंट हो गया। अब इसमें फिक्स्ड मूवमेंट में से जो हिस्सा बच गया उसको माइनस में लिख लेंगे ऊपर, और जो इसमें से बच जाएगा इसका हिस्सा वो प्लस में लिख लेंगे। ऐसे इसमें से जो बचेगा वो हमारा माइनस में हो जाएगा, और जो यहाँ पर इस डायग्राम में से बचेगा वो हमारा प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारा रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। तो ये था मूवमेंट के कारण। अब दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, दूसरा बिंदु, जिसमें है सिंकिंग ऑफ सपोर्ट। तो सिंकिंग ऑफ सपोर्ट के बारे में देखें, क्या मतलब है इसका सिंकिंग ऑफ सपोर्ट। ये एक बीम थी हमारी ओरिजिनल, ए पॉइंट यहाँ था, बी पॉइंट यहाँ था। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण, कुछ स्लैकनेस के कारण, कुछ जॉइंट ढीले हो जाने के कारण, नट बोल्ट लूज हो जाने के कारण, कोई भी कारण हो सकता है, हमने जब ए बी को स्थापित किया था तब तो ये समान हाइट पर थे, एक ही लेवल में थे, लेकिन कुछ समय बाद या एक्स्ट्रा लोड आ जाने के कारण इसमें डिफॉर्मेशन हुआ और ये हमारा बी पॉइंट नीचे को सिंक होकर के नीचे आ गया। अब ये इसमें सिंकिंग जो है डेल्टा के बराबर हुई है। सिंकिंग का मतलब नीचे की ओर बैठ गया है, ये बी बिंदु खिसक करके कितनी दूरी, डेल्टा दूरी नीचे आ गया है। ये बिंदु नीचे आ जाने पर, अब ये बिंदु हमारा यहाँ पर टिका हुआ है, यहाँ टिका हुआ है। अब नेचुरल है जब ये एक लेवल में नहीं है तो ये पूरी बीम में टेढ़ापन आ जाएगा, यहाँ से ऐसे झुकेगी और ऐसे आकर के यहाँ कनेक्ट होगी। अब जब यहाँ ऐसे झुक रही थी, इसका मतलब इसमें कर्वेचर ऐसे ऊपर की ओर है, तो ये इसमें सैगिंग मूवमेंट हो गया बी पॉइंट पर। इसमें ए पॉइंट पर क्या हो गया, हॉगिंग मूवमेंट हो गया यहाँ से यहाँ तक। ये मूवमेंट फिक्स एंड के कारण मूवमेंट कैसा होगा, हॉगिंग होगा, क्योंकि ये इस तरह से झुक रहा है डाउनवर्ड, इसमें कन्वेक्सिटी ऊपर की ओर है, इसमें कैविटी ऊपर की ओर है। तो ये हमारा हॉगिंग मूवमेंट है और ये हमारा सैगिंग मूवमेंट है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि डिप्रेशन के कारण या सिंकिंग के कारण एक सिरे पर मूवमेंट हॉगिंग और दूसरे सिरे पर सैगिंग मूवमेंट उत्पन्न होता है। अब इसकी रिएक्शंस देख लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर अभी हमने कोई लोड नहीं लगाया है, केवल इसका सिरा नीचे को किया है या हो गया है, तो इसके कारण चूंकि लोड नहीं है तो इसकी क्रियाओं का परिणामी जो है ये रिएक्शंस होंगी, इनका रिजल्टेंट भी जीरो होगा। ये हमारी रिएक्शन आर ए है, ये रिएक्शन आर बी है। अब ये दोनों रिएक्शंस विपरीत दिशा में हो जाएंगी। अब ये फिक्स्ड एंड मूवमेंट के कारण भी प्रतिक्रियाएं होंगी, जब रिजल्टेंट आएगा ये फ्री बेंडिंग मूवमेंट के कारण रिएक्शंस तुम्हारी जीरो होंगी। तो अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ देखिए इसमें एक्चुअली है क्या, ये सिंकिंग के कारण ये हमारे मूवमेंट उत्पन्न हुए। ये देखिए एम बी मूवमेंट है, एम बी मूवमेंट कैसा है, इसमें सैगिंग है, तो यहाँ पर हमने सैगिंग मूवमेंट को ऊपर दर्शा लिया है। तो ये ऊपर ये हमारा एम बी हो गया सैगिंग मूवमेंट प्लस, यानी अगर सैगिंग है तो उसको चिन्ह आप प्लस लगा लीजिए, ऊपर नीचे, नीचे भी बना सकते हैं ऊपर भी बना सकते हैं। कुछ है, बुक्स में नीचे को उल्टा बना होता है यही डायग्राम कुछ में, तो ये चिन्ह की कोई विशेष बात नहीं है। तो यहाँ पर हमने इस सैगिंग मूवमेंट है इसलिए प्लस चिन्ह लेते हैं, ये तो हम पहले भी जानते हैं, ये हमने ऊपर बना लिया। ये हॉगिंग मूवमेंट है, ये माइनस में बना लिया, ये हमारे इसके मूवमेंट हो गए। अब इसमें यहाँ देखिए, अगर हम इसकी आधी लंबाई पर विचार करें, बीम की जो है हाफ लेंथ पर, ये टोटल लंबाई एल है, तो एल बाई टू लंबाई पर विचार करें, तो ये बीम यहाँ से यहाँ तक ऐसे झुक रही है, फिर इसके बाद ये ऐसे ऊपर को झुक रही है, ये कर्वेचर अपवर्ड है, यहाँ से यहाँ तक कर्वेचर डाउनवर्ड है। तो हम आधी दूरी तक ही इसको कंसीडर करते हैं, तो इसका एक सिरा ये फिक्स है और ये सिरा हम फ्री मान लेते हैं, फ्रीली हैंग कर रहा है, तो ये हमारा कैंटीलीवर की तरह से व्यवहार करने लगता है। और जब ये कैंटीलीवर की व्यवहार की तरह से करता है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ डिफ्लेक्शन डेल्टा है, तो इसके मिडिल पॉइंट पर डिफ्लेक्शन डेल्टा बाई टू के बराबर हो जाएगा।
तो यहाँ पर इसको एज ए कैंटिलीवर मानते हुए या उसमें डिफ्लेक्शन जो है डेल्टा बाई टू लेते हुए, अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पी लोड लगा हुआ है जिसके कारण ये डेल्टा बाई टू का डिफ्लेक्शन हुआ, ये इसका स्पान है कैंटिलीवर में। तो कैंटिलीवर में जो डिफ्लेक्शन का फार्मूला है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का, हम उसका प्रयोग कर लेते हैं। तो कैंटिलीवर बीम में ये डिफ्लेक्शन का जो फार्मूला है ये होता है डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन थ्री ई आई, ये हमारा बेसिक फार्मूला है डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन थ्री ई आई। अब यहाँ पर देखिए भार, डब्ल्यू भार होता है उसमें, यहाँ भार की जगह हमने क्या माना है पी लोड मान लिया है, तो ये पी लोड हो गया और ये एल क्या होता है स्पान होता है, तो यहाँ पर स्पान कितना है, यहाँ पर स्पान जो है हमारा एल बाई टू है इस कैंटिलीवर बीम का, तो इसमें एल के स्थान पर यहाँ पर एल बाई टू आएगा, तो ये एल बाई टू हो गया। इसको इक्विवेलेंट टू कर दीजिए, इक्वल टू न करके, क्योंकि ये तो जनरल फार्मूला हमने लिखा है जो कि हम को हमने स्टार्टिंग में इनके फार्मूले पढ़े हुए हैं वो इसी फॉर्म में है। यहाँ क्वेश्चन के अनुसार जो डाटा है उनका हम प्रयोग करके इसी फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये एल बाई टू रख देंगे एल के स्थान पर और ये थ्री ई आई हम यहाँ लिख लेंगे। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये पी इंटू एल क्यूब अपॉन 24 ई आई के बराबर प्राप्त हो जाएगा और इधर डेल्टा बाई टू है, तो पी एल क्यूब अपॉन 24 ई आई। अब यहाँ इसी फार्मूले से हम पी की वैल्यू नोट कर लेते हैं, यानी बाकी पद सब इधर पक्षांतर कर देंगे और ये पी बराबर हम लिख लेंगे, तो पी बराबर कितना आ जाएगा, पहले तो ये देखिए 24 से ये 2 है तो ये कट जाएगा 12 रह जाएगा, तो 12 ई आई तो ऊपर चला जाएगा 12 ई आई और ये डेल्टा यहाँ पर है ये यहीं बना रहेगा, तो 12 ई आई डेल्टा हो गया और बटे ये एल क्यूब जो है ये नीचे आ जाएगा, तो ये पी की वैल्यू हो जाएगी, तो 12 ई आई डेल्टा अपॉन एल क्यूब ये हमारा पी की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। यानी ये हमने इस कंसेप्ट के आधार पर कैंटिलीवर के सिरे पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के फार्मूले का प्रयोग करते हुए इस पी की वैल्यू ज्ञात कर ली। जब हमको पी की वैल्यू ज्ञात हो गई तो इस सिरे पर जो इसका मूवमेंट होता है कैंटिलीवर के फिक्स सिरे पर इस पी लोड के कारण वो कितना होता है पी इंटू एल बाई टू, ये हमारा मूवमेंट होगा जो कि यहाँ पर दर्शाया हुआ है, तो ये मूवमेंट कितना है पी इंटू एल बाई टू, तो इसी एम ए बराबर हम पी इंटू एल बाई टू फिर लिख लेते हैं। अब पी का मान जो हमने ऊपर निकाला है इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इंटू एल बाई टू कर दीजिए और यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हमारा 2 से ये 12 कट गया, एल से यहाँ एक एल कट गया तो एक स्क्वायर रह गया 6 ई आई डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, ये एम ए बराबर 6 ई आई डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, ये हमारा एक बहुत फेमस फार्मूला है या सिंकिंग ऑफ सपोर्ट के केस में फार्मूला इसी का प्रयोग किया जाना है, एम ए बराबर 6 ई आई डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, और यही वैल्यू एम बी के बराबर होती है, एम ए और एम बी की दोनों की वैल्यू बराबर होती है, केवल फिगर के अनुसार एक सैगिंग और दूसरा हॉगिंग होता है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू इनकी जो है सेम आएगी, चिन्ह का केवल अंतर होगा, तो चिन्ह हमने यहाँ पर ऑलरेडी दोनों के अलग अलग दिखा रखे हैं, इसलिए हमको यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाने की आवश्यकता फिर नहीं रह जाती। तो इस तरह से एम ए और एम बी दोनों के लिए जो फार्मूला है वो 6 ई आई डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर है। अब यहाँ पर रिएक्शन ज्ञात करने के लिए, जब केवल एंड मूवमेंट कार्य कर रहे हैं तो एंड मूवमेंट के कारण हमने बताया था रिएक्शन की वैल्यू क्या होती है, एम ए माइनस एम बी अपॉन एल होता है। यहाँ पर एम ए हमारा एक प्रकृति यानी हॉगिंग है तो एम बी हमारा विपरीत नेचर का है, तो इनको जब घटाएंगे तो ये एक्चुअली न्यूमेरिकली जुड़ जाएंगे माइनस माइनस प्लस होकर के, तो ये दोनों मूवमेंट यहाँ पर आंकिक रूप से जुड़ जाते हैं, इसी कारण से कि इनके विपरीत होने के कारण, अगर दोनों हॉगिंग होते तो फिर एम ए माइनस एम बी ही रहता, या दोनों सैगिंग होते तो भी एम ए माइनस एम बी रहता, लेकिन एक हॉगिंग है एक सैगिंग है तो फिर एम ए प्लस एम बी हो जाएगा, तो वही यहाँ पर हुआ है कि एम ए प्लस एम बी इसीलिए चेंज हुआ है, और बटे स्पान से भाग लगाएंगे तो हमारी रिएक्शन ये ज्ञात हो जाती है। तो ये रिएक्शन हमारी 12 ई आई डेल्टा अपॉन एल क्यूब के बराबर प्राप्त हुई। रिएक्शन जितनी आ रहे हैं उतनी ही रिएक्शन आर बी होती है इस केस में, बस दिशा इनकी अलग होती है, आर ए अगर ऊपर की ओर है तो आर बी नीचे की ओर है, तो आर ए आर बी के मान भी ज्ञात हो गए और ये एंड मोमेंट एम ए और एम बी भी ज्ञात हो गए। यानी इसके लिए स्टैंडर्ड फार्मूला ये हमको याद रखना होगा,
जिस किसी क्वेश्चन में ये लिख दिया जाए कि इसके सिरे में इतने मिलीमीटर की जो है सिंकिंग पाई गई, तो हम उसमें सिंकिंग के कारण इतना इंड मोमेंट ये निकाल करके जो बाकी लोड हों उनके कारण जो इंड मोमेंट आए हैं उनमें और ऐड कर लेंगे कर लेते हैं। तो इस आधार पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह से ये आर ए और आर बी दोनों रिएक्शन यहाँ ज्ञात हो जाती है। तो ये हमारा सिंकिंग ऑफ सपोर्ट हो गया। सिंकिंग ऑफ सपोर्ट के बाद फिर ये हमारी तीसरे प्रकार की प्रॉब्लम है, रोटेशन एट द सपोर्ट। ये एक बीम थी, इसका ये सिरा बी यहाँ पर है। इस बीम में जो इसका सिरा फिक्स किया गया है उसमें कुछ त्रुटि आई। त्रुटि आने के कारण उसके जो फिक्स करने वाले मेंबर हैं वो थोड़ा बेंड हो गए, और बेंड हो जाने से ये बीम जो पहले हॉरिजेंटल पोजीशन में यहाँ जुड़ी हुई थी, अब हमारे ये सिरा ही जब मुड़ गया तो ये बीम हमारी इस तरह से आ गई। यानी ये जो सिरा था हमारा फिक्स वाला सिरा वर्टिकल था पहले, अब वर्टिकल ना होकर के ये तिरछा हो गया। तो तिरछा हो जाने के कारण ये बीम 90 डिग्री पर है तो ये नीचे को झुक गई। तो बीम इस तरह से मुड़ जाती है ये। अगर बीम में जो ये रोटेशन हुआ है, रोटेशन एट सपोर्ट, रोटेशन हमारा एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हुआ है, और मान लीजिए ये थीटा कोण, थीटा बी कोण झुका, यानी बी पॉइंट पर रोटेशन हुआ है, तो इसको एंगल को हम थीटा बी लिख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल से कितना कोण झुका, थीटा बी। तो थीटा बी के पदों में हम ये निकालेंगे कि इस सिरे पर मोमेंट कितना होगा और इस सिरे पर मोमेंट कितना होगा, यानी ए सिरे पर मोमेंट कितना उत्पन्न हो जाएगा और बी सिरे पर कितना होगा। नेचर जरा दोनों का देखें, यहाँ पर जो मोमेंट है ये हमारा सैगिंग है और यहाँ पर जो मोमेंट है ये हॉगिंग है। तो यहाँ पर भी मोमेंट हमारे इस कारण से भी विपरीत प्रकार के प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर ये कोण है। अब यहाँ पर देखिए, हमने ये फार्मूले पढ़ रखे हैं मोमेंट एरिया मेथड में, ए अपॉन ई आई बराबर थीटा बी होता है। जो हमारा स्लोप होता है थीटा, उसकी वैल्यू ए अपॉन ई आई के बराबर होती है। बस हम इसी फार्मूले का यहाँ पर प्रयोग करके आगे इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके हम ये एम ए की वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। एम ए बराबर, यानी इसको सॉल्व करने से ही हमको ये एम ए की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो एम ए बराबर टू ई आई थीटा बी अपॉन एल, ये वैल्यू हमको प्राप्त होगी। एम ए बराबर टू ई आई थीटा बी अपॉन एल, और ये हॉगिंग मोमेंट है। इसके बाद एम बी की वैल्यू जो प्राप्त होगी हमको, एम बी की वैल्यू ये 4EI थीटा बी अपॉन एल के बराबर प्राप्त होगी। 4EI यानी इसका डबल, जो फार्मूला यहाँ पर है 2EI थीटा बी अपॉन एल है, तो इसका डबल जो है 4EI थीटा बी अपॉन एल, ये ओ बी सैगिंग नेचर का होगा। तो इसके कारण जो है ये इतना सैगिंग मोमेंट MB उत्पन्न हो जाएगा। तो ये दोनों सिरों पर इसके इस डायरेक्शन में मुड़ जाने के कारण जो मोमेंट डेवलप होंगे वो हमारे एम ए और एम बी होंगे, वो इन फार्मूले से ज्ञात किए जाएंगे। दोनों फार्मूले फिर से एक बार सुन लें। आपको एक्चुअली इनमें केवल फार्मूले ही याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ द फार्मूला इज इम्पॉर्टेंट, यही ज़्यादा मीनिंग रखता है, न कि डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला। क्योंकि जो एप्लीकेशन है, हमें अप्लाई तो फार्मूले को करना होता है, फील्ड में अप्लाई करना होता है, तो कोई भी फार्मूला है वो कैसे अप्लाई होता है और उसकी वैल्यू कैसे प्राप्त होती है, ये हमको जानने की जरूरत होती है। वो फार्मूला किस तरह से ड्राइव किया गया, कैसे प्राप्त किया गया, ये फील्ड लेवल पर उसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो सबसे पहले तो हमको ये जानने की आवश्यकता होती है कि इसका फार्मूला क्या होता है। हाँ, इसके बाद हम अगर और डीप स्टडी में जाना चाहते हैं या डीप स्टडी की आवश्यकता महसूस करते हैं, तब हम इसके डेरिवेशन को भी समझ सकते हैं। तो उसके लिए हमने ये प्रिंसिपल बता दिया है कि इसी सिद्धांत पर, इसी को सॉल्व करके हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो इसका अप्लाई करके आप भी स्वयं प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो हमारे एम ए और एम बी हो गए। अब इसके बाद आर ए, आर ए के लिए मैंने बताया था कि जब एम ए और एम बी दोनों ज्ञात हों, सिरे के मोमेंट ज्ञात हों,
तो इनके इन मूवमेंट के कारण जो रिएक्शन उत्पन्न होती है वो एम ए माइनस। अब इसके बाद देखिए रिएक्शन कैसे ज्ञात होती है। तो रिएक्शन ज्ञात करने के लिए हमने फार्मूला बताया था, अगर इन मूवमेंट हमको ज्ञात हो चुके हैं तो आर ए यानी किसी भी एक सिरे की रिएक्शन आर ए बराबर एम ए माइनस एम बी अपॉन एल होता है। यहाँ पर चूंकि दोनों मूवमेंट हमारे विपरीत नेचर के हैं, एक हॉगिंग है दूसरा सैगिंग है, इसलिए यहाँ एम ए माइनस एम बी न होकर के एम ए प्लस एम बी हो जाएगा। तो विपरीत नेचर के होने पर दोनों मूवमेंट जुड़ते हैं और समान एक ही नेचर के यानी दोनों हॉगिंग हों या दोनों सैगिंग हों तब ये मूवमेंट घटाए जाते हैं रिएक्शन ज्ञात करते समय। तो एम ए प्लस एम बी बटे एल यहाँ पर होगा विपरीत नेचर के होने की वजह से। और इसी तरीके से जब हम इसको सॉल्व करते हैं एम ए प्लस एम बी, हमको एम ए की वैल्यू यहाँ मालूम है, एम बी की वैल्यू भी मालूम है, दोनों पदों को जोड़ेंगे तो ये 2 ei थीटा बी है और ये 4 ei थीटा बी है। जब ये जोड़ेंगे तो ये 6 ei थीटा बी हो जाएगा। तो 6 ei थीटा बी अपॉन ए का एल ये है और इसमें नीचे ये एल का भाग लगाया गया तो ये एल स्क्वायर बन जाता है। तो इस तरह से आर ए की वैल्यू जो है 6 ei थीटा बी अपॉन एल स्क्वायर के बराबर प्राप्त हो जाती है। और यही वैल्यू हमारी आर बी के भी बराबर होती है। आर ए और आर बी हमारे न्यूमेरिकली बराबर होते हैं। इस तरह से रिएक्शन आर ए और आर बी दोनों ज्ञात हो जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू है जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है। आर ए ऊपर की ओर है, आर बी नीचे की ओर है, दोनों के आंकिक मान बराबर हैं, केवल दिशा में अंतर है। तो इस तरह से ये रिएक्शन हमारी ज्ञात हो जाती है। ये इसका फिक्स्ड एंड मोमेंट डायग्राम बना हुआ है। ये प्लस में है एम बी की वैल्यू, सैगिंग है, ये एम ए की वैल्यू हॉगिंग है इसलिए माइनस में दर्शाई गई है। इसका फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है शून्य के बराबर होता है। तो यही हमारा रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारी तीनों प्रॉब्लम हैं, तीनों प्रॉब्लम के बारे में मैंने डिस्कस किया। अगला वीडियो हमारा कंटिन्यूअस बीम के बारे में होगा। वेट टिल नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।